गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास टेंथ में जो फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामर सेक्शन का होता है, रीऑर्डरिंग जिसको कहते हैं, रीऑर्डरिंग मतलब होता है सेंटेंस को सही क्रम में लिखना। जो सेंटेंस में तमाम सारे वर्ड्स दिए होते हैं उनको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो सही रीऑर्डर होता है, सही क्रम होता है, उसमें लिखने को रीऑर्डरिंग बोलते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन इसका नाम बदल के पूछ लेता है, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंसेस, सही सेंटेंसेस का फ्रेम करिए, निर्माण करिए। वही चीज़ ये भी है, रीऑर्डरिंग भी वही है, फ्रेम द करेक्ट सेंटेंसेस भी वही है। तो ये सेंटेंस जो मैंने चुने हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप देख लीजिए। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें से एक सेंटेंस आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, तो इसलिए गौर से इसको देखिएगा आप लोग। और मैंने देखा ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहा है। बाकी मैं और भी वीडियो आपको दूंगा, इसे आप लोग पहले देखिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला दिया हुआ है, फर्स्ट है दिस इन सेल द फ्रूट, दिस इन सेल द फ्रूट, दे फ्रूट शॉप। तो हो जाएगा दे सेल, इसका क्या हो जाएगा, दे सेल फ्रूट्स इन दिस शॉप। क्लियर, इसका हो जाएगा दे सेल फ्रूट्स इन दिस शॉप। क्लियर, या आप लोग इसे ऐसे लिखते चलिएगा, प्रैक्टिस करिए, मैं बता दे रहा हूँ। इसका हो जाएगा दे सेल फ्रूट्स इन दिस शॉप। क्लियर, मैं जिस पर टिक करते जा रहा हूँ पहले उसे आप लोग देखते रहिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन है टेबल पुट माई ऑन बुक दिस। तो हो जाएगा ये सेंटेंस, कहीं से सब्जेक्ट इसमें नहीं शो कर रहा है, पुट शो कर रहा, तो ये सेंटेंस इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब होती है, तो ये हो जाएगा पुट माई बुक ऑन दिस टेबल। तो हो जाएगा पुट माई बुक ऑन दिस टेबल। क्लियर, इसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर की। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा, फिर अगली बार से मैं इसके लिए कुछ विशेष इसको टाइप करके और फिर एक एक लाइन छोड़ छोड़ के जगह दे के सॉल्व करूँगा। क्लियर, थर्ड नंबर है फाइव फॉर डेज मेडिसिन डिस टेक रेगुलरली। अब यहाँ भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, केवल एक वर्ब शो कर रही है टेक। क्लियर, तो ये भी सेंटेंस आपका क्या है, ये भी सेंटेंस है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो हो जाएगा टेक दिस मेडिसिन फॉर फाइव डेज रेगुलरली। तो टेक दिस मेडिसिन फॉर फाइव डेज रेगुलरली। फोर्थ नंबर की अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ नंबर में है आपका गिव डे ए फॉर मी लीव प्लीज। प्लीज आ गया तो आप जान जाइए कि हमारे सेंटेंस का आरंभ सीधे प्लीज से होगा। प्लीज गिव मी लीव फॉर ए डे, तो प्लीज गिव मी लीव फॉर ए डे। क्लियर, आप लोगों को सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से प्रारंभ होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जब भी जरूरत पड़ती है तो सब्जेक्ट के रूप में यू का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, अब हम लोग देखते हैं फाइव नंबर। फाइव नंबर है क्या आपका टेबल द चाइल्ड द फ्रॉम फेल। टेबल द चाइल्ड द फ्रॉम फेल। तो ये हो जाएगा द चाइल्ड फेल फ्रॉम द टेबल, द चाइल्ड फेल फ्रॉम द टेबल। सिक्स नंबर की बात करें मुंबई टू बीन यूर हैव यू, क्वेश्चन मार्क लगा है तो याद रखिएगा आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही बनेगा। अब आप जानते हैं इंट्रोगेटिव, यहाँ अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है तो वो फिर सिंगल इंट्रोगेटिव होगा। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से होता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल एक शब्द है, वो हैव। तो हैव यू यूर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो। क्लियर, ये सारे सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेवन नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन वेरी
वेरी इम्पॉर्टेंट, हर कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, आए तो सब हैं लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थर्ड नंबर भी कई बार आया है, क्लियर। तो ये हो जाएगा लाइक आइडल सिटिंग नॉट ही डज, तो हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में मिला ही डज नॉट लाइक सिटिंग आइडल, आइडल माने होता है आलस्यपूर्ण, क्लियर। फिर हम लोग बात करते हैं एट नंबर की। एट नंबर में पूछा है रिटेन हैज, रिटेन हैज ए ऑफ नंबर ड्रामास ही, सब्जेक्ट रूप में आपको मिल गया ही, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, तो ही हैज रिटेन ए नंबर ऑफ ड्रामास, तो ही हैज रिटेन ए नंबर ऑफ ड्रामास। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइन नंबर की, फेल्ड फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी, सारे सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तैयार कर लीजिए, हो सकता है कि इन्हीं में से आपको एक बोर्ड एग्जाम मिल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बता दूं रीऑर्डरिंग आपको दो जगह मिलता है, एक मल्टीपल चॉइस में मिलेगा रीऑर्डरिंग और एक आपको रिटर्न करने के लिए भी मिलेगा, दो स्थान पर आपको मिलता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा फेल्ड फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी, सब्जेक्ट क्या है ही फेल्ड सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, तो ही फेल्ड सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला नंबर जो आपका है टेन नंबर। टेन नंबर की बात करते हैं हम लोग, टेन नंबर में दिया है सॉन्ग, सॉन्ग ब्यूटीफुल ए इवनिंग लास्ट सैंग मीरा, सब्जेक्ट मिल गया मीरा सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग लास्ट इवनिंग, तो मीरा सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग लास्ट इवनिंग। हम लोग बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर में अगर देखा जाए स्ट्रीट केम सेरीवन द टू सेम, अगर आप लोग पुराने बच्चे होते तो ये आपको पता होता, ए गोल्डन बाउल नाम का चैप्टर पहले कक्षा नौ में नाइन्थ क्लास में चलता था, अब वो चैप्टर नहीं रहा, उसी की सेम लाइन है। तो ये हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, अगर देखें सब्जेक्ट है सेरीवन, वर्ब है केम सॉरी आई एम सो सॉरी सेरीवन केम टू द सेम स्ट्रीट, सेरीवन उसी गली में आया। अगला है ये भी सेकेंड क्वेश्चन जो है अगला 12 नंबर, ये भी उसी चैप्टर से है द गर्ल यंग हर अल्ड ग्रैंड मदर, तो इसका हो जाएगा द यंग गर्ल, द यंग गर्ल अल्ड हर ग्रैंड मदर, द यंग गर्ल अल्ड हर ग्रैंड मदर, छोटी लड़की ने अपनी दादी से आग्रह किया। 13 नंबर देखें ओमेन द बोथ, ये भी उसी चैप्टर से है, क्लियर, उसी चैप्टर से ये भी है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है तो क्या मतलब बनता है। वीमेन वूमेन वीमेन द बोथ एस्टोनिस वेयर हियर टू दिस, क्लियर, तो हो जाएगा द बोथ वीमेन वर एस्टोनिस्ड टू हियर दिस, द बोथ वोमेन आई एम सो सॉरी, इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा, इसको मैंने थोड़ा सा गलती की है, यहाँ हो जाएगा बोथ द वुमेन होगा, बोथ द वीमेन, बोथ द वीमेन वर एस्टोनिस्ड टू हियर दिस, तो बोथ द वीमेन वर एस्टोनिस्ड टू हियर दिस। 14 नंबर की बात करते हैं लास्ट, ये भी उसी चैप्टर से है, लास्ट हिज रिक्रूटिंग सेलर द ग्रीडी क्राइड, क्लियर, तो यहाँ आ गया ग्रीडी सेलर हो जाएगा ना सीधे से सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका द ग्रीडी सेलर क्राइड रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपने हान पर पछतावा करके लालची सेलर लालची विक्रेता चिल्लाने लगा। और ये नेक्स्ट है आपका और आखिरी है आज का आफ्टर ही रश्ड सेरीवन द टू रिवर साइड, तो हो जाएगा ही रश्ड आफ्टर सेरीवन टू द रिवर साइड, तो हो जाएगा ही रश्ड आफ्टर सेरीवन टू द रिवर साइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है,
इन्हें आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनमें से हो सकता है और भी आपको मिलेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, मैं इसी तरह से बोर्ड की प्रैक्टिस आपको करवाता रहूँगा और आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम की एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन की तैयारी करवा दूँगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसमें कुछ यूनिक व्यूअर भाई साहब लोग हैं जो मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप दिसंबर से पहले मेरे वीडियो को 1K पहुंचा दीजिए ताकि मैं लाइव क्लास लेके दिसंबर में कम से कम हर हफ्ते आपको एक बोर्ड सेट दे सकूं। और वो बोर्ड सेट जब सॉल्व कराऊंगा तो मैं लाइव आकर सॉल्व कराऊंगा, तो मैं पूरा टॉपिक एक बार में दे सकता हूं, क्योंकि मेरे मोबाइल में इतनी मेमोरी नहीं है बेटा कि मैं इतने बड़े बड़े वीडियो एक साथ अपलोड कर सकूँ। क्लियर? तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड आई विल सपोर्ट बिफोर योर एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, टिल बिफोर योर एग्जामिनेशन। तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हारे एग्जामिनेशन के पहले तक सपोर्ट करूंगा। एंड आई प्रॉमिस आई विल गिव ऑल मटेरियल्स, ऑल टॉपिक्स इन डिटेल, इन क्वेश्चंस, एवरीथिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।